तो राजस्थान के डूंगरपुर से इस वक्त आप गृहमंत्री को सुन रहे थे और इसी के साथ सीधा रुख करते हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के चित्रकूट का, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। 24% तक पहुंचा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए विकास के साथ आज मध्य प्रदेश खड़ा हो गया, हर चीज में आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर एक पर खड़ा है देश में। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि जल संरक्षण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में भी मध्य प्रदेश ने नंबर एक की बाजी मारी है और नंबर एक पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रसूति से लेकर के हर तरीके के बच्चों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है, यह भी हमको याद रखना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है, जबकि कमलनाथ ने इस आवास योजना को अपने शासन के समय में डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी, उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर एक पर पहुंचा दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब यह हमारी जिम्मेवारी है। बताइए, नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश को नंबर एक पर पहुंचाओगे कि नहीं? पहुंचाओगे कि नहीं? कमल खिलाओगे कि नहीं? आगे बढ़ाओगे कि नहीं? मध्य प्रदेश को नंबर एक रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना मित्रों, ये आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। मित्रों, जब मैं आज 5G की बात करता हूं मोदी जी की, तो ये 5G क्या है? ये कनेक्टिविटी तो है, लेकिन ये ग्रोथ का इंजन है, ये गुड गवर्नेंस का इंजन है, ये गुडविल का एनर्जेंस है, ये गारंटी की जिम्मेवारी है और ये गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ 5G है। इसके लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां मध्य प्रदेश के भी नेताओं ने जनता तक विकास को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यह भी आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, हम लोग समर्पित संकल्पित किस बात के लिए? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हम संकल्पित हैं। और हमारी तमाम योजनाएं, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, आज गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 13,50,00,000 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल करके मध्य वर्ग में पहुंच गए हैं। ये भारत की बदलती तस्वीर है। ये गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 80 करोड़ की जनता को भूखे रहने से बचाने का काम मोदी जी ने किया। आज कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता है, इसलिए अति गरीबी भारत में 0.1% से भी कम हो गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, तो जहां 9.5 करोड़ हमारे गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर दिया गया, चूल्हा दिया गया, वहीं अभी राखी के अवसर पर पहले 200 रुपए का छूट और फिर से 200 रुपए की छूट देने का काम
हमारी सरकार ने किया, और बहनों को एक तरीके से उनको तोहफा देने का और उनको बहनों को याद करने का काम किया है। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं तो आज भारत 11वें नंबर से आर्थिक व्यवस्था में छलांग लगा करके 5वें नंबर पर खड़ा हो गया है। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा, ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। तो इस वक्त जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे जो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मौजूद है, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार ने क्या कुछ काम किया है।